अगर आप किसी महिला का पैन कार्ड बना रहे हो तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और किस प्रकार से आपको कौन कौन से डिटेल फिलअप करनी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सजल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द सुपर टेक में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। पैन कार्ड को दो ऑफिशियल साइट से बनाया जा सकता है, एक तो है UTI और दूसरी है NSDL। तो मैं यहाँ पर NSDL से आपको एक पैन कार्ड बना के दिखाने वाला हूँ। तो आपको अपने फ़ोन या PC में कोई सा एक ब्राउजर ओपन कर लेना, उसके बाद में यहाँ सर्च बार पे आपको लिख के सर्च करना है NSDL। तो उसके बाद में आपके सामने NSDL की इस प्रकार से एक वेबसाइट आ जाएगी। तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में NSDL की कुछ इस प्रकार से एक साइट ओपन हो जाती है। तो यही से आप पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू पैन कार्ड अप्लाई के लिए यहाँ अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने पहले रजिस्टर कर रखा है तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको न्यू पैन कार्ड के लिए इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एप्लीकेशन टाइप पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप न्यू पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाह रहे हो और आप इंडिया से हो तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप अपने पैन में किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन करवाना चाहते हो तो आपको सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम न्यू फ्रेश पैन कार्ड के लिए आवेदन करेंगे तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी पूछी जाती है, कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे टाइटल पूछा जाता है, तो अगर आप किसी महिला का बना रहे हो तो आपको श्रीमती या कुमारी में से सेलेक्ट करना है, अन्यथा अगर आप किसी जेंट्स का बना रहे हो तो आपको श्री वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर किसी महिला का बना के आपको दिखाने वाले थे, सिंपल सा आपको श्रीमती सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी लड़के का बना रहे हो तो आपको कुमारी सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर श्रीमती सेलेक्ट करें। उसके बाद में यहाँ पर नाम वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको फर्स्ट नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर कर देना। तो आप जिस भी महिला का पैन कार्ड बनाना चाहते हो उसके आधार कार्ड ID से यहाँ पे आपको उसका नाम एंटर कर देना है। उसके बाद में आपको मिडिल नाम एंटर कर देना है। उसके बाद में आपको लास्ट नाम जो भी हो आपको नेम एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना। उसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देना, उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देने। कंप्लीट डिटेल एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको चेक बॉक्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको सिंपल सा नीचे आना और यहाँ पर आपको कैप्चर कोड देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर एक कैप्चर कोड एंटर करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कैप्चर कोड एंटर करने के बाद में आपने जो भी डिटेल ऊपर एंटर की है वो आपको अपने आधार कार्ड से एक बार मैच कर देने, उसके बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सिंपल सा आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में एक टोकन नंबर जनरेट होंगे, तो आपको इसको एंटर कर लेना या फिर इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपको ले लेना। उसके बाद में सिंपल सा आपको कंटिन्यू विद पेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको सिंपल सा नीचे आना, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड या KYC बेस्ड पैन कार्ड वो आपका बनाया जाएगा। तो अगर आप आधार कार्ड से पैन कार्ड बनाना चाहते हो तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप फोटो और सिग्नेचर वाला पैन कार्ड बनाना चाहते हो तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपको जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करके अपना जो पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होता है, और अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो फिजिकली पैन कार्ड ऑफिस में भेज के अपना पैन कार्ड बना सकते हो। तो हम यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम फोटो और सिग्नेचर वाला पैन कार्ड बनाने वाले। तो आपको सिंपल सा सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको नीचे आना है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे फिजिकल पैन कार्ड के बारे में पूछा जाता है। अगर आप फिजिकल पैन कार्ड पोस्ट ऑफिस में मंगवाना चाहते हो तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर फिजिकल पैन कार्ड के लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ पर अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पर एंटर करने होते हैं। आप अपने आधार कार्ड के जो लास्ट 4 डिजिट है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो सिंपल सा अपने आधार कार्ड में से वेरीफाई करके ही आपको अपने यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट एंटर करने हैं। उसके बाद फिर से आपके आधार कार्ड में जो भी नाम हो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना। नाम एंटर करने के बाद फ्रेंड सिंपल सा नीचे आना, और नीचे आने पर यहाँ आपको फर्स्ट नाम, सेकंड नेम और लास्ट नाम देखने को मिल जाएगा। तो आपको एक बार अपना जो नाम है वो वेरीफाई कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी, तो ये भी आपको अपने आधार कार्ड में एक बार अच्छे से चेक करना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे जेंडर पूछा जाता है, अगर आप मेल का बन रहे हो तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, नहीं तो आप फीमेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ महिला का बना रहे तो हम यहाँ फीमेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर वाला ऑप्शन है, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि
आपका अन्य कोई नाम है तो आपको यहाँ नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे फादर्स की डिटेल और मदर्स की डिटेल के बारे में पूछा जाता है। तो अगर आप अपने पैन कार्ड में मदर्स की डिटेल यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मदर्स का नाम में एंटर करके यहाँ यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अन्यथा अगर आप अपने पैन कार्ड में फादर का नाम शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ सिंपल सा नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। अब फ्रेंड सबसे ज्यादा डाउट महिला का पैन कार्ड बनाते समय यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पर फादर का नाम एंटर करना है या हस्बैंड का नाम एंटर करना है। तो फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूंगा, अगर आप किसी महिला का पैन कार्ड बना रहे हो तो महिला के पैन कार्ड में उसके जो फादर्स का नाम है वो ही आपको शो करना होता है। तो यहाँ पे आपको फादर्स का नाम ही डालना, यहाँ पर उसके हस्बैंड का नाम आपको नहीं डालना होता है। यहाँ पर फादर के नेम का ऑप्शन है तो आपको फादर का नाम ही यहाँ पे डालना है, आपको यहाँ पर हस्बैंड का नाम नहीं डालना। तो सिंपल सा हम यहाँ पर फादर का फर्स्ट नाम एंटर करेंगे, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में लास्ट नाम एंटर करेंगे। फादर का नाम एंटर करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे मदर का नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप मदर का नाम डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पर मदर का नाम ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो आपको अगर आप डालना चाहो तो ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद में सिंपल सा एक बार आपने जो डिटेल है वो ऊपर से वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के बाद सिंपल सा आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स आपके सामने पर्सनल डिटेल वाला पेज ओपन हो जाता है। सिंपल सा आपको यहाँ पर इनकम सोर्स डालना होता है, तो यहाँ पे आपको नो इनकम ही सिलेक्ट करना। उसके बाद में यहाँ पर आपको रेजिडेंस सेलेक्ट कर लेना है। रेजिडेंस सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे एंटर कर लेना। तो मैं वीडियो स्किप करके यहाँ पे एड्रेस एंटर कर लेता हूँ। तो आपको कंप्लीट अपने आधार कार्ड में से यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर कर लेना। उसके बाद में सिंपल से आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ऑफिस एड्रेस आपको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंट्री कोड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी की वेरीफाई के लिए यहाँ कंट्री कोड में इंडिया यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से सर्च करके आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपसे एरिया कोड या एसटीडी कोड पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पर अपना एसटीडी कोड यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो आपका जो भी एसटीडी कोड हो वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको टेलीफोन नंबर या आपके मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएंगे, तो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी देखने को मिल जाती है, तो आपको अपनी जीमेल आईडी भी एक बार अच्छे से चेक कर लेना। उसके बाद में सिंपल से आपको नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ आपको एक्सेस वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ आपको नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सिंपल से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपसे एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर पूछा जाता है, तो आपको सिंपल सा इनको ब्लैंक छोड़ देना। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इंडियन सिटीजन, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्टेट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना। आपका जो भी स्टेट लगता है वो यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपसे सिटी पूछी जाती है, आपकी जो भी सिटी लगती है वो आपको यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे एंटर कर लेना। उसके बाद फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से दो ऑप्शन देखने को मिल जाते थे। यहाँ सिंपल से आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर आपकी जो ऊपर की डिटेल वो ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाई होकर यहाँ पे एंटर हो जाएगी। तो ये आपको ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, आपको यहाँ पे एंटर करने की जरूरत नहीं। आप जैसे नीचे वाले डिटेल यहाँ पे एंटर करते हो तो ऊपर वाले जो डिटेल वो यहाँ पे फिल हो जाए। तो सिंपल से आपको इसी प्रकार से वेरीफाई करके आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ आपको प्रूफ आइडेंटिटी के लिए अपना जो आधार कार्ड है वो आपको यहाँ से चूज कर लेना। अगर आपके पास में आधार कार्ड के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या अदर कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो आपको यहाँ से उसमें से सेलेक्ट कर लेना है और उसको यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद में अपलोड करना है, तो हम यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करने वाले, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन में आधार कार्ड यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपसे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए पूछा जाता है, तो यहाँ पर भी आपको आधार कार्ड एंटर कर लेना है। तो आपको सिंपल सा आधार कार्ड यहाँ सर्च करके यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन वाला पेज देखने को मिल जाता है, यहाँ आपको नाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर आपको हिम सेल्फ यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सिंपल सा नीचे आना और यहाँ पे आपको अपना पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका जो भी गाँव हो वो यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल जाएगी, तो आप जिस दिन आवेदन करते हो वहाँ की डेट यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे अपलोड फोटो और अपलोड सिग्नेचर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो की जो साइज़ वो 3.5 से 2.5 सेमी के बीच में होनी चाहिए और सिग्नेचर की जो साइज है वो 2 से 4.5 सेमी के बीच में होनी चाहिए और मैक्सिमम के भी 50 KB है और इसमें मैक्सिमम 50 KB तक आप अपलोड कर सकते हो। तो हम यहाँ वीडियो स्किप करके फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला पेज आ जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप जो भी अपलोड करना चाहते हो वो यहाँ आपको
सेलेक्ट करके अपलोड कर लेना। तो सिंपल से आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपका जहाँ पर भी जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ ऑटो अपलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको वापस से नीचे आना है और नीचे आने के बाद फिर आपका जो आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और उसकी जो साइज़ है वो आपको 300 KB से कम रखने है। तो एक बार आपको अपने डिटेल अच्छे से चेक करने है और उसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आधार कार्ड वेरीफाई करना है। तो आधार कार्ड की जो फर्स्ट 8 डिजिट है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेने। तो आप अपने आधार कार्ड में से जो फर्स्ट 8 डिजिट है वो आपको यहाँ पे एंटर करने होते हैं। तो अपने आधार कार्ड में से अपने फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पे एंटर कर लेना है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको चेक कर लेना। तो आपको हर एक डिटेल यहाँ अच्छे से चेक कर लेने, क्योंकि अगर आपके यहाँ पर आधार कार्ड से अगर अलग डिटेल आपने फिल कर दी तो आपका पैन कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा पेमेंट होने के बाद में। तो आपको एक बार अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट अपने डिटेल चेक कर लेने हैं। कंप्लीट डिटेल चेक करने के बाद में आपको सिंपल सा प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ आप जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको सिंपल सा नीचे आना और यहाँ पे आपको जितना भी पेमेंट आपका लगता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद में आपको नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे कन्फर्म पेमेंट के लिए पूछा जाता है, तो आपको पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या वॉलेट वाला ऑप्शन आ जाता है। आप जिस भी मेथड से यहाँ पे आप पेमेंट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो हम इंटरनेट बैंकिंग से यहाँ पे पेमेंट करेंगे। तो सिंपल सा आपको इंटरनेट बैंकिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद में यहाँ पे मेक पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने पेमेंट रसीद आ जाएगी। तो आपको सिंपल सा यहाँ वेट करना है, यहाँ आपको रिफ्रेश नहीं करना। तो यहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन के लिए ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगी। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर कुछ टाइम वेट करना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में यहाँ पर पेमेंट की रसीद आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको नीचे आना है और यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आधार वेरीफाई के लिए पूछा जाता है। तो आपको सिंपल सा नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके ऑथेंटिक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना, आपको ऑथेंटिक वाले ऑप्शन पे अपना आधार वेरीफाई करने के लिए इस पर क्लिक करना है। तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको आधार वेरीफाई के लिए सिंपल सा OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसमें एक OTP भेजा जाएगा। तो आपको यहाँ पे OTP एंटर करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल है उसमें एक OTP भेजा जाएगा। तो आपको यहाँ पे एंटर करके सबमिट कर लेना है। OTP वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पे आपको एक बार अपना आधार साइन करना होता है। सिंपल से आपको कंटिन्यू विद साइन पे क्लिक करना है। तो आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको एक बार वापस से वेरीफाई करना होता है। सिंपल से आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पर अपना आधार ID या वर्चुअल ID आपको एंटर करके सेंड OTP पे क्लिक करके अपना जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई कर लेना। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना, उसके बाद में सिंपल सा सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल है उसमें एक OTP भेजा जाएगा। तो यहाँ पे आपको OTP एंटर करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। OTP एंटर करने के बाद में सिंपल से आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। तो आपका जो आधार कार्ड वो वेरीफाई होकर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से एक रसीद देखने को मिल जाएगी। तो आपको कंप्लीट अपने डिटेल यहाँ से चेक कर लेने। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड पूछा जाएगा। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो आपको यहाँ पे एंटर करके आपके जो रसीद है उसको ओपन कर लेना। तो यहाँ आपको अपने जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे एंटर करने होती है। तो इस प्रकार से पैन कार्ड की आपको रसीद देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल सा आपको इसको प्रिंट कर लेना यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन से और अपने जो कस्टमर है उसको दे देना। तो इस प्रकार से आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो या अपना जो फोटो और सिग्नेचर वाला पैन कार्ड है वो किसी महिला का बना सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ